श्रीहरिकोटा भारत का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। 1971 से अब तक सारे रॉकेट्स यहीं से लॉन्च हुए हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। यहाँ स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत का प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। साल 1969 में इस जगह का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में चुना गया था। इसका मुख्य कारण है कि ज्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत के बाकी जगहों की तुलना में इक्वेटर के ज्यादा पास है, इसीलिए यहां से रॉकेट लॉन्च करने पर काफी पैसों की बचत होती है। श्रीहरिकोटा का जियोग्राफिकल लोकेशन काफी यूनिक है। ये एक लंबा आइलैंड है। इसके एक तरफ पुलिकेट लेक है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। स्पेसपोर्ट को इंसानों की रहने वाली जगह से दूर बेस किया जाता है। ये ज्यादातर रेगिस्तान तटीय इलाका या आइलैंड होता है। कई बार रॉकेट के लॉन्च होने के बाद उसके कई कंपोनेंट्स धरती पर गिरते हैं, क्योंकि श्रीहरिकोटा समुद्र के पास है। अगर कंपोनेंट्स गिरे तो वे सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो रॉकेट के इंटेंस वाइब्रेशन को झेल सके। श्रीहरिकोटा इस क्राइटेरिया को बखूबी निभाता है। मौसम की दृष्टि से भी श्रीहरिकोटा परफेक्ट है, क्योंकि ये जगह साल के 10 महीने सूखी रहती है। साथ ही दोनों तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से भी ये काफी सिक्योर जगह है। 19 अक्टूबर 1971 में RH-125 को सबसे पहले इस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट मौसम और वायुमंडल की स्टडी के लिए स्पेस में भेजा गया था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि श्रीहरिकोटा भारत का पहला स्पेस पोर्ट नहीं था। केरल में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ था। अब भारत अपने तीसरे लॉन्चिंग स्टेशन की तैयारी कर रहा है। ये इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के लिए बनाए जाने की तैयारी है। ये कुलेश खरपट्टनम तमिलनाडु में पूर्वी तट पर बनेगा। आपको बता दें, लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में तीसरी बाधा पार कर ली है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेंजिंग मैनूवर सफलतापूर्वक पार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार दोपहर 1:14 बजे यह अपडेट दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर इंटू 226 ऑर्बिट में है। यह धरती के चक्कर लगाते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलेगा। इसरो के अनुसार अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 और 3 बजे के बीच होगी। इसरो ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुँचने में करीब 40 दिन लगेंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। चंद्रयान 3 के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।